नमस्कार, आप देख रहे हैं डी डे विथ पावर कॉरिडोर्स। हमारे साथ हमारे छोटे से स्टूडियो में हमारे तीन विशिष्ट अतिथि हमारे साथ है। विशिष्ट मैंने इसलिए कहा, तीनों हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं। एक का शुभ नाम है आलोक जी, एक है भूषेश जी और एक है जय घोष जी। जय घोष जी का नाम भारतीय जनता पार्टी की इस दूसरी विजय के साथ इसलिए जुड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला प्रारंभ हुआ था बहुत शानदार जीत के साथ जो आगाज हुआ था वो जय घोष इनके नाम के साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले मैं पहला प्रश्न आपसे ही करूंगा, कैसा महसूस हो रहा है आपकी अपनी पार्टी, आपके अपने प्रधानमंत्री चुन के आए आज? बहुत खुशी हो रही है। 2014 में हमारे ये अभियान का नाम, विजय अभियान का नाम जय घोष था 2014 में। उस समय भाजपा की लहर चल रही थी और इस बार फिर दोबारा जय घोष हो रहा है। अब ये आंधी चल रही है, हम 350 सीटों के साथ विजय हो रहे हैं। आज महसूस हो रहा है कि जो लोग जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी में जिनकी कुर्बानी रही है, अगर वो लोग जिंदा होते तो वो कैसा महसूस कर रहे होते। तो बड़ा प्रश्न करूंगा मैं आपसे भूषेश जी, जी आप तैयार हैं? जी, ये मोदी की जीत है जी या अमित शाह की? देखिए, ये पूरी भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय अमित शाह जी की जीत है। लाखों कार्यकर्ता, जो देवतुल्य कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, जो पंडित दीनदयाल जी की एक सोच थी, अंत्योदय की जो योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो सकारात्मक परिवर्तन माननीय मोदी जी की सरकार ने गत 5 वर्षों में किए हैं, ये उसका परिणाम स्वरूप आज हमें नजर आया है कि हम 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पे स्थापित हो रहे हैं। आपकी शुद्ध सुंदर संस्कृत निष्ठ भाषा के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने कहा देवतुल्य लाखों कार्यकर्ता, इसमें आपके संस्कार जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और भारत के संस्कार हैं इन शब्दों में निहित है। उन कार्यकर्ताओं को जो मातृभूमि के लिए, जो हमारा सबसे बड़ा नेता जी, जो कि राष्ट्र सर्वोपरि की बात करता है, उस मोदी के लिए कार्य करने वालों को आपने कहा देवतुल्य, बहुत सुंदर बात कहे। रामचरितमानस में कहा गया है कि जो राम के भक्त राम उनके भक्त है, तो ये बड़प्पन है और सुंदर शब्दों के लिए आपको धन्यवाद। अब आलोक जी आप बताइए कि जब भी हम बात करते हैं कहीं किसी से, विपक्षी लोगों की बात नहीं करते, वो तो वही कहते हैं। कुछ लोग जो जनता में कहते हैं अरे मोदी ने कुछ काम नहीं किया, वो कुछ काम नहीं किया किस तरफ संकेत करते हैं? कुछ लोग जो कहते हैं अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, क्या ऐसी बात है कि मोदी ने कुछ नहीं किया? देखिए सर, ऐसी बात तो बिल्कुल ही नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि मोदी ने कुछ नहीं किया। दरअसल मोदी जी ने किया वो कुछ वो समझा ही नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत प्रधानमंत्री ने जो लगभग 150 से अधिक योजनाएं उन्होंने शुरू किया, उन योजनाओं को भारत के सभी राज्यों के लगभग सभी जिले में हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं विपक्षी जो ये जानते हैं कि मोदी जी ने बहुत किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, ये करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस ने लगभग 70 वर्षों तक भारत की जनता को गुमराह करता रहा और ये उसी की अगली कड़ी है। और उसकी तो आप जानते ही हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, बहुत कुछ करने के बाद भी कह रहा है कुछ नहीं किया। अब तो प्रचंड बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, बीजेपी आ रहा है, अब बोलने वाले ये भी कह रहा है कि बीजेपी कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जीत नहीं रहा है। हम जीत रहे हैं, लास्ट लास्ट तक हम जीतेंगे, ऐसे भी लोग उम्मीद जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किया वह 70 वर्षों किसी ने किया। जो ये लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, वो कांग्रेस की वही पुरानी गुमराह करने वाली नीति, एक झूठ को 100 बार बोलो तो शायद वो सच हो जाएगा, लेकिन इस मामले मोदी के मामले में कोई झूठ सच साबित नहीं। वो तो ये है ना, साक्ष्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये सामने दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी सरकार 2014 से जो आई थी और 2019 तक जो हमने काम किया उसका रिजल्ट ये है, और आने वाली सरकार जो काम पीछे रह गए हैं हमारे, जो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि जो पैसा कांग्रेस सरकार ये कहती थी कि मैं 100 रुपये देता हूँ और 15 रुपये पहुँचता है, तो हम लोगों ने जो धन धन के 36 करोड़ अकाउंट खोले थे वो सीधे, अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो सीधे अंतिम व्यक्ति तक जा रहा है।
जितनी भी मोदी जी की योजनाएं आज 51,000 रुपए लड़की के लिए शादी के लिए दे रहे हैं, उज्ज्वला के लिए कनेक्शंस दे रहे हैं, इसमें हम बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। हमने एजुकेशन से लेके हेल्थ तक सभी विषय पे काम किया है और आगे आने वाले इन 5 सालों में आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि हमारे देश का मनोबल कितना बढ़ेगा और पूरा विश्व जब आज हमारे साथ खड़ा है तो आने वाले भविष्य में जो हमारे काम होंगे तो निश्चित रूप से देश का साहस बढ़ेगा, करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम एक विश्व शक्ति के रूप में प्रकट होंगे। आपको 2024 के चुनाव में हम मिलेंगे तब आपको खुद ही पता लगेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अगला प्रश्न कुशेश जी के लिए। कुशेश जी, अच्छे दिन कब आएंगे? विपक्षी इस बात का रोना रोते रहे तो इस बार क्या अच्छे दिन आ जाएंगे ना? आज ही अच्छा दिन है और अच्छे दिन के साथ शुरुआत हुई है। मेरा प्रवास पूरे देश भर में रहा है, आम जनता से इंटरेक्शन जो हमने किया तो एक तो गरीब जो हिंदुस्तान का नागरिक कहलाता था उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, शौचालय योजना के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से और लाखों युवाओं ने जो स्टार्टअप का कार्य आरंभ किया है तो मुस्कान का एक परिणाम है कि आज हम 350 की टारगेट हासिल किया है। और बहुत बहुत आभार जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आलोक जी, एक तरफ एक प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ 22 प्रधानमंत्री ठगबंधन, गठबंधन को ठगबंधन कहूंगा, सारे ठग एक साथ हो गए, हालांकि उन ठगों में भी आपस में एकता नहीं थी उस और जनता ने भी उनको पहचान दिया। ठीक है, तो प्रश्न मेरा आपसे यह है कि विकल्पहीनता यानी कि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी के सामने कोई अगर हरा सकता है तो वो मोदी जैसा हो, उस तरफ ऐसा कोई नहीं था। राहुल कहीं से भी मोदी के सामने वास्तव में पप्पू है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, डेरोगेटरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, पप्पू यानी बच्चा, वो एक बच्चे हैं और आप मोदी हैं, तो ये तुलना वास्तव में बड़ी अजीबोगरीब थी। एक तरफ ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस की और एक 30-35 साल से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी, तो एक अजीबोगरीब मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में जीत हुई राष्ट्रवाद। आपने सही, बिल्कुल सही कहा, एक बिल्ली की तुलना हाथी से किया ही नहीं जा सकता। जैसा कि आपने बताया राहुल गांधी को देश दुनिया की कुछ जानकारी नहीं, मैं आई सब उतन चलाता हूँ मुंबई नगर में, लगभग 200 सीट समेत मेरे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, और मैं आप सब चलेंगे मुंबई नगर तो मुंबई नगर में गली गली में लगभग हजारों की संख्या में तैयारी करते हैं, उसमें किसी भी स्टूडेंट को आप ले लेंगे ना तो राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ जाएगा और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री देखना इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का सच नहीं हो सकता, इस देश के लिए नहीं पृथ्वी पर इससे बात दुर्भाग्य हो सकता। देश के तो ऐसे लोग तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं कांग्रेस में, वे कहते हैं राहुल जैसा कोई नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि जो राहुल जो बोलते हैं राहुल जी, उनको ये नहीं पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इस आपका कुछ अर्थ भी होगा या ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ। तो मोदी जी की तुलना तो राहुल गांधी से कहीं किया ही नहीं। बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, बस एक एक सेंटेंस आप तीनों को बोलूंगा, आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। मुस्कुराइए कि मोदी जी जीत गए। कुछ कहिए इस पर। देखिए, मुस्कुराना तो पूरे देश में जश्न का माहौल है और ये खाली मोदी जी की विजय नहीं, हर उस हिंदुस्तानी व्यक्ति की जीत है जो देश को प्यार करता है, उस राष्ट्रवाद की जीत है जिसने अपने देश में आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन इस्तेमाल किया होगा। तो मुझे लगता है कि उस भारतवासी हर व्यक्ति की जीत है जिसे अपने देश से प्यार है। आपके लिए एक सेंटेंस कहूंगा, आपका रिएक्शन मांगूंगा, भारत का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे विश्व में एक छाप भारतवर्ष की गत 5 वर्षों में आई है, उससे डबल और कई गुना जाकर के अब गत 5 वर्षों में आने वाले समय में होने वाली है, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं और इस पे हम खरा उतरेंगे। बहुत धन्यवाद, आपके लिए एक सेंटेंस है जी, इन 5 सालों में अच्छे दिन जरूर आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, इस 5 वर्षों में अच्छे दिन जरूर आएंगे। जैसा कि पारिजात जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस 70 वर्षों से इस देश को सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रहा था, बहुत बड़ा आपने तो महत्वपूर्ण बात है और इससे बड़ी आश्चर्य की बात कुछ नहीं हो सकता है।
वह राहुल गांधी जिस मीटिंग में जाते हैं उस मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इससे शर्मनाक की बात क्या हो सकती है। और मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी के आने से राष्ट्रवाद बढ़ेंगे, हिंदुत्व का भी काम चलेगा। और जो और सबसे आश्चर्य की बात मैं 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर अत्याचार करता रहा है शुरू से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर आज 23 मई तक आतंकवाद जो फैला रहा है, जो मुट्ठी भर के लोग हैं, जो तथाकथित अल्पसंख्यक कहलाते हैं, भारत के कोने कोने में बहुसंख्यक पर अत्याचार करते हैं, ये बहुत शर्मनाक की बात है। और इस पर अंकुश लगेगा, इससे आसान बहुत दुखद सत्य की तरफ इशारा आपने किया। देशद्रोहियों को समर्थन कांग्रेस का है, अर्थात संरक्षण कांग्रेस का है, समर्थन के साथ संरक्षण, इसका मतलब कांग्रेस भी एक देशद्रोही पार्टी है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत धन्यवाद जयघोष जी, आपने समय दिया और इतनी अच्छा हमारे साथ बात करने का अवसर हमें प्रदान किया। आपको भी पूछा जी, बहुत सुंदर विचार है आपके, आलोक जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद परिजन जी।